తర్వాత ఉపరిం రాడు ఆల్పడతాడు నాయపచ్చ విరాజ్ एक इस पे पिन लगी हुई है, इसमें पिन की ग्रिस लगाना पड़ेगा पहले पैकिंग को बढ़िया तरीके से। फिर पैकिंग के फालतू ये पिन में डालने के लिए एक छेद है, ये भी आ गया। डालो जी छोटू जी, छेद डालो ऐसे घुमा के डालो, ऐसे डाल के देख लेना। ये कट है ना, ये कट की शुद्ध में आना चाहिए। अच्छा इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए फिर इसके अंदर भी ये पिन डालने के लिए इसके अंदर भी एक अलग से छेद है, इसके अंदर ये डाल देनी है पिन। जब ये पिन सही आ जाएगी ना तो कनेक्शन भी सही इसका हो जाएगा। कनेक्टर लगा इसमें, एलिंकी से बराबर बराबर कसने से, बराबर बराबर कसने सबको, एक बार टाइट नहीं करना है। हल्का हल्का सबको बराबर टाइट करना है। एलिंकी लेके जैसे एलिंकी से फुल टाइट नहीं हो रहा है, खींच नहीं रहा, ठीक है। तो 12-13 का पाना लेके उसमें ऐसे डालो, डालने के बाद में अपने लेंथ बढ़ गई इसकी तो ताकत लग जाएगी। फिर इतनी ताकत लगानी है ताकि अपनी एलिंकी में बैंड ना हो जाए और ये टाइट भी हो जाए। अच्छा हो गया जी, इसी तरीके से सबको, इसी तरीके से सबको टाइट कर लेना है, टाइट कर लेना है बराबर बराबर। पॉलिथीन में डला हुआ एक फिल्टर आएगा, उसको बाहर निकालो। ये कैसे लगेगा फिल्टर? बाहर निकालने के बाद में एक अंदर वो ये आएगा लॉकिंग सिस्टम, इसको खोल लेना है। ऊपर है ना, ये ऊपर वाले को नहीं लाना है, ऐसे खोलोगे तो अंदर से खुल के आ जाएगा पूरा ऊपर। ये आप देखते जाओ, ये निकल गया, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखना है, इसको नहीं छेड़ना है कहीं पे, इसको घुमाना है, ऐसे घुमाते जाओ, ये नज़दीक चला जाएगा। ओके ठीक है जी, ठीक है। ये नज़दीक चलेगा यहाँ पे, इसके बाद में ये ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर केप लगा हुआ है, केप लगा हुआ है, पेचकस दिए, इसको पेचकस के द्वारा खोल लेना है, ठीक है। बाहर फेंक दिया इसको, ये अपने किसी काम का नहीं। फिर इसको ये अंदर डालेंगे, इसको ये इसको अंदर डालेंगे, ऐसे ऐसे डाल दिया। फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे बीच सेंटर में, सेंटर में पकड़ लिया। फिर इसको अपने वापस इसको टायर कर देंगे, ये बाहर घूम रहा था ना, इसको घुमाते जाएंगे, ऐसे घुमा के इसको टाइट कर देंगे। टाइट भी इतना ही करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है कि ताकत ला के इसको तोड़ दे, सही। इतना ही करना है कि टाइट हो जाए, ये टाइट हो मतलब गया। ये पाना नहीं लगाना, हाथ पाना नहीं लगाना, हाथ से जितना टाइट हो सके उतना ही करना है। ऐसा भी नहीं कि हाथ में भी किसी की ताकत ज़्यादा हो तो कहीं तोड़ नहीं देना, ठीक है। फिर इसको फिर उसके बाद ये फिल्टर लेना है, फिर ये बाहर नटा रहा ना, इसके अंदर ये इसके अंदर ये पे लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे मिला देना उसमें, फिर ऐसे घुमाते हुए एक दो बार नहीं मिले तो दोबारा मिल जाएगा, आराम आराम से घुमाते रहो। ये मिल गया, ऐसे घुमाते रहो, ये टाइट हो गया, इसको टाइट करते रहो। इसको भी पानी से नहीं करना है, हाथ से भी इतना ही करना है, टाइट हो जाए, लूज भी ना रहे, ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा। आराम आराम से करना है, ऐसे नहीं, ये हो गया टाइट, ठीक है। ठीक है जी, ये अपना फिल्टर लग गया जी, ये लॉक है,
इसको ऐसे प्लास से पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा कर लेना है, फिर इसको पाइप के अंदर ऐसे फैला देना, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो इसको, फिर इसको पाइप को इसके ऊपर चढ़ा देना है, पूरी 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 चढ़ानी है, आराम आराम चढ़ानी है, इसको तोड़ना भी नहीं है कहीं। छोटी इस लोग को ऐसे प्लास से पकड़ के इसको आगे ले आना है, लोग को यहाँ पे इसके निप्पल के ऊपर छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब अपने को पाइप एक मीटर के लमसम पाइप को काट लेनी है, ऐसे काट दिया, प्लास से काटो तो ये मुंह पिचक न जाए, इसका भी ध्यान रखना है, या फिर आरी ब्लेड वगैरह किसी से काट लो, ठीक है। फिर ये टाई आती है, इस टाई से इसको बांध देनी है, जब बांधना है जब इसको मोटर को बढ़ाने के बाद में। अब अपन ये मुझे मोटर बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ाएंगे, वो टैंक पे एक बार पहले टैंक पे चल के आना पड़ेगा, अपने को नाप लेके आनी पड़ेगी टैंक, यहाँ वो पॉइंट है, ये अपनी डिप रोड है, ये देख लो, ठीक है। इसको डिप रोड को आराम से इसके अंदर डालनी है, इस डिप रोड में ये देखना है अपने को इस कनौर की बराबर, कोलर की बराबर कितनी डिप आ रही है। अच्छा, ये अपनी आ रही है 201 पे, ठीक है जी, ठीक 201 पे अपनी डिप आ रही है। अब अपने को एचटीपी नाप के बढ़ानी है, इसको ले चलते हैं बाहर, एक बार वीडियो काट लेते हैं इसको। एलिंग की पॉइंट आता है यहाँ पे, इसको ऐसे एलिंग की द्वारा खोल लेना है इसको पूरे के पूरे बाहर निकाल के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपने को दो बड़े पाइप रिंच द्वारा इसको लूज कर लेना है, यूज कर लिया है, ठीक है जी। इसके बाद में पहला काम अपने को विशेष ध्यान रखना है, इस वायर को, ये बंदी हुई वायर आएगी, इसको ऐसे तोड़ लेंगे, इसको तो साइड में रख देंगे, इस वायर को अपने को सीधी रख लेंगे। छोटी जी एसटीपी बढ़ाओ बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ तो सी बढ़ने के बाद लगेगा, एक बार फिर अपने को एसटीपी थोड़ी अंदाज से बढ़ा लेनी है, अपने को बढ़ा के रख लेनी है, घुमा के ऐसे घुमाते हुए, पूरा भी नहीं घुमाना है, हिलाते हुए बाहर ले लेंगे, और ले लो और ले, बस हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो अपने एसटीपी की फ्लांस आएगी, वो अपने निप्पल आए ना कंपनी की साथ में डिब्बे में, वो निप्पल उठानी है, इसके अंदर डालनी है, ऐसे डाल दो, फिल्टर को नहीं पकड़ना है वरना फिल्टर टूट जाएगा, बनवा दे। हाँ मसाला बनवा दे, खोला था ना अंदर से पेस्ट निकाला था, उसको वापस डाल देना है और वापस कस देना है, इसको हल्का सा टाइट कर देना वापस, ठीक है। इसके बाद जो अपने इस पाइप के साथ में ट्राई आई है, उससे इसको बांध देनी है।
वायर आ रही है, फिर इसको खोल लो आप, ठीक है। इसमें से ये नीचे से छेद आ रहा है, इसमें ये वायर ऐसे मुंह लेके, इसमें कितने वायर हैं? तीन। इसमें तीन वायर है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के पास में तीन वायर है, तीनों का अलग अलग कलर है। एक बार कैपेसिटर दिखाना। अच्छा, ये कैपेसिटर है इसमें, ये तीन वायर है अलग अलग तीनों की, ठीक है। इस वायर को ऐसे आराम से, इस वायर को आराम आराम से ऐसे चूड़ियों पर रगड़ करने लगे और धीरे 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 इसको अंदर लेना है। ये पूरा वायर इसके अंदर लेना है, पूरा वायर इसके अंदर लेना है। इसको खोल दो, ये वायर आ गया बाहर। इसके तीनों को जैसे कलर है ना, वैसे वैसे कलर वाई कलर ये हो गया, और इनको ये जोड़ देंगे आपस में। रेड, ऑरेंज, ये ब्लैक में जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया, कलर वाइज इनको कनेक्शन दे देंगे आप। बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। ये काम हो गया, ये कनेक्शन वाइज इसको दे के और इसमें इसको समेट के वापस इसके अंदर रख देंगे। रख देंगे, ऐसे ऐसे समेट दिया इसको। अब जो वो पैनल से जो इसके कनेक्शन के लिए पावर के लिए जो केबल आएगी वो कहाँ से कनेक्ट होगी इसमें? वो ये है, ये ढक्कन खोलना है, ये ढक्कन लगा हुआ होगा, इसको खोलना है। ये खोल लिया हमने, ठीक है जी। 25 mm की ग्लैंड भरेगी, नीचे 25 mm की ग्लैंड भरेगी। वायर ग्लैंड दिखा देता हूँ, ग्लैंड की जगह ये है, ये इसमें 25 mm की एक ग्लैंड आती है, वो ग्लैंड डाल के केबल से, और केबल के जो दो तीन वायर आएंगे वो इसमें आएंगे, ऊपर आ जाएंगे इससे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इससे ऊपर आ जाएंगे। इसके टर्मिनल आते हैं, इसमें इसके टर्मिनल आते हैं जो इसमें भी लगते हैं, इसमें लगेंगे, इसी में लगते हैं ये तीन, इसी में लगते हैं, इसी में लगते हैं, ठीक है। अपने पैनल रूम से केबल आएगी, उन्हें रेड और नीला दोनों इनमें लगा देना है, ठीक है। वो एक पीला कलर की आएगी, वो एक इसके अंदर अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए पीला कलर का जो है स्क्रू का एक पॉइंट दिया हुआ है, वो इसमें अर्थिंग के लिए लग जाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है। और फिर ये अंदर स्केल लगा के उसको पिचका देना है, पिचका देना है और टेपिंग कर देनी है, टेपिंग कर देना है। अच्छी, ठीक है, ओके, समझ गए, ठीक है।